story time. मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। एक बार की बात है, एक विलेज में एक शेपर्ड बॉय रहता था। वह अपनी शीप को रोज विलेज के पास के हिल पर ले जाता था। पास ही में एक जंगल भी था। वह सारा दिन शीप की निगरानी करता। He spent all day out in the field watching the sheep. सुबह से वह अपने डॉग के साथ शीप को लेकर हिल पर चला जाता और होल डे वह अपने डॉग के साथ शीप के पीछे पीछे दौड़ता रहता। विलेज से बाहर शीप के साथ रह रह कर बोर हो गया था वो। वहां पर अपने एंजॉयमेंट के लिए वह या तो अपने डॉग से बातें करता या फिर अपनी शेपर्ड पाइप को प्ले करता। पर इस सब में अब उसे मजा नहीं आ रहा था। वह अपनी लाइफ में कुछ नया थ्रिल चाहता था। एक दिन as he sat watching the sheep, he thought कि उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करना चाहिए। क्या उसे वुल्फ का बहाना बनाना चाहिए कि उसने वुल्फ देखा? उसने जल्दी ही एक प्लान सोचा and he started yelling for help. Wolf, wolf, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। ऐसा कहकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। And as he had expected, सारे villagers जो फील्ड में काम कर रहे थे अपना काम छोड़कर सभी दौड़कर अपनी होज और स्टिक्स के साथ वहाँ आ गए और सभी वुल्फ को मार भगाना चाहते थे। वे सभी पूछने लगे, Where is the wolf? Where is the wolf? आज बचकर जाने नहीं देंगे उसको। But जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया that there was no wolf. Villagers को देखकर the shepherd boy started laughing. वे जोर जोर से हंसने लगा। आज तो इस ट्रिक से उसका अच्छा मनोरंजन हो गया था और उसे बहुत मजा भी आया। He started clapping. सारे विलेजर्स पैर पटकते हुए वहां से वापस अपने काम पर चले गए। बट द शेपर्ड बॉय वाज वेरी हैप्पी कि उसने कैसे गांव वालों के साथ प्रैंक किया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद, द शेपर्ड बॉय अगेन स्टार्टेड शाउटिंग, वुल्फ वुल्फ, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। एंड अगेन सारे विलेजर्स अपना काम छोड़कर उसकी हेल्प के लिए दौड़कर आ गए। अपनी लाठी डंडों के साथ वे वुल्फ से शीप को बचाना चाहते थे। बट व्हेन दे गॉट टू द प्लेस जहां लिटिल शेपर्ड बॉय था, दे फाउंड कि बॉय एंड शीप सभी सेफ थे। वहां पर कोई वुल्फ नहीं था एंड द बॉय वाज लाफिंग एंड लाफिंग। ये सिर्फ एक जोक था। ये सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। वे झुंझलाते हुए वापस चले गए। Then one evening, as the sun was setting behind the forest, जब सन सेट हो रहा था, एक वुल्फ सच में बुश के पीछे से निकल कर वहां आ गया और उसने शीप पर अटैक कर दिया। In terror, घबराहट में, the boy ran towards the village. He was shouting, "Wolf, wolf, बचाओ, बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया." But the villagers said to each other, "Don't worry, ये वही naughty लड़का है, who was trying to fool us, जो हमें अक्सर बेवकूफ बनाता है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वह तो ऐसे प्रैंक करता ही रहता है।
शेपर्ड बॉय शाउट करता रहा, वह चिल्लाता रहा, बट नोबडी वेंट देयर फॉर हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया। द वुल्फ किल्ड द शीप वन आफ्टर द अदर। वुल्फ शीप को एक के बाद एक मारता रहा, वह शेपर्ड बॉय को भी नुकसान पहुंचाता इफ ही हैडंट रन अवे। तो बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लायर्स अगर कभी सच भी बोलते हैं तो कोई उनका विश्वास नहीं करता।